नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जी एस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने अमेरिका को किस संगठन में फिर से शामिल होने का फैसला लिया है, ए WHO, बी WTC, सी RGPO या डी NASA। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उदयगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ सम्पन्न। लोक आस्था का 3 दिवसीय महापर्व छठ शनिवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। नवगछिया सहित आसपास के क्षेत्र में छठ पर्व पर श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया। वहीं शनिवार के अहले सुबह से ही छठ घाटों पर श्रद्धालु छठ घाट पहुंच गए और उगते सूर्य को अर्घ दिया। उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही शनिवार को लोक आस्था के महापर्व का समापन हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर से धन धान्य वैभव सुख समृद्धि की कामना की। व्रतियों ने 36 घंटे तक निर्जला रहकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। इसके बाद व्रतियों ने पारण किया। वहीं नौगछिया के SP स्वप्नाजी मिश्राम ने महादेवपुर घाट, कृत्रिम घाट, नौगछिया मक्का तकिया घाट, चैती दुर्गा मंदिर घाट, नया टोला घाट सहित शहरी क्षेत्र के कई घाटों का शुक्रवार को ही निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मौजूद दिखे। वहीं मौके पर SDPO दिलीप कुमार पूरे दल बल के साथ मौजूद रहे। नौगछिया SP स्वप्नाजी मिश्राम ने कहा कि पूरे जिले में छठ त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DJ फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। गोपालपुर श्रद्धा व भक्ति के माहौल में लोक आस्था का महापर्व छठ शांतिपूर्ण संपन्न। गोसाईगांव के गंगा घाट पर लोगों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ गोपालपुर प्रखंड के गोसाईगांव गंगा घाट पर भी शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। कोरोना के कारण परंपरागत छठ घाटों पर अन्य वर्षों की तरह भीड़ हालांकि कम दिखी गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने अपने दरवाजे पर अस्थायी तालाब बनाकर संध्या व प्रातःकालीन अर्घ दिया। गोसाईगांव के गंगा घाट पर पूरे गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों ने हर्षोल्लास व श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भास्कर को अर्घ दिया। वहीं गोपालपुर प्रखंड के कई जगह पर पुलिस पदाधिकारी व दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी। छठ महापर्व के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। कैसा लग रहा है गंगा घाट में? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल से आ रहे हैं गंगा घाट पर? मैं गोसाईगांव गंगा घाट में लगभग 17-18 साल से। कैसा लग रहा था पहले कोरोना को लेकर, जिस तरह से लोगों के मन में डर था ऐसा कुछ? देखिए, कोरोना से बचाव जरूरी है, सरकार के नियमों का भी पालन जरूरी है, लेकिन आस्था और भक्ति भी कोई चीज होती है। हमें आस्था भक्ति सूर्य भगवान पे, और जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ विश्वास है, इसलिए कोरोना भी दूर होगा और सरकार के नियमों का पालन भी होगा। ठीक है। आपका आपका परिचय? मेरा नाम सौरभ कुमार, मैं CSF में हूँ, और हर साल माता रानी की कृपा है, सूर्य भगवान का आशीर्वाद है कि हर साल हमें मतलब ड्यूटी से पर्व के लिए विशेष कर छुट्टी, छठ के नाम पे छुट्टी मिल ही जाता है, इसलिए हर साल छठ के नाम पे छुट्टी मिलता और आते हैं और श्रद्धा भक्ति से माता रानी का पूजा करते हैं, सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। आप बाहर रहते हैं कहीं? कहाँ रहते हैं? मैं सर अभी बनवन की। अच्छा, कैसा लग रहा है गंगा में स्नान करके और यहाँ छठ? ताजा हो रहा है, बचपन में जो करते थे वैसे बिल्कुल लग रहा था, लग रहा है बचपन जैसा, बचपन आगे लगता है। आपका परिचय? परिचय में सर संतोष कुमार झा, गोसाईगांव। नारायणपुर के विशनपुर गंगा घाट पर स्नान के दौरान 3 युवकों की डूबने से गई जान।
नारायणपुर प्रखंड के सहजादपुर पंचायत के बिशनपुर गंगा घाट पर शनिवार को लगभग 12 बजे गंगा स्नान को आए 3 दोस्तों का नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। जिला प्रशासन की पहल पर 8 सदस्य SDRF की टीम इंस्पेक्टर गणेश ओझा के नेतृत्व में 2 रेस्क्यू बोट की मदद से संध्यानाथ नगर के ललमटिया थाना क्षेत्र के रामतुला नगर निवासी आर्मी जवान प्रवीण कुमार झा का शव बाहर निकाला गया। मुखिया रूपेश मंडल ने बताया कि अमरी बिशनपुर गंगा घाट में नहाने के दौरान जगदीशपुर के मुखेरिया निवासी सुभाष चंद्र घोष के पुत्र सोमेश प्रणव 23 वर्षीय आर्मी के मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। वहीं दूसरा युवक नाथनगर के रामतुला नगर निवासी चंद्रदेव मंडल के आर्मी जवान पुत्र प्रवीण कुमार 25 वर्षीय एवं तीसरा युवक ललमटिया के दिलदारपुर निवासी कमलेश्वरी मंडल के पुत्र भवेश कुमार 25 वर्षीय जो ललमटिया जेल पुलिस में थे उनकी पोस्टिंग नरकटियागंज में थी। नहाने के दौरान डूब जाने से मौत हो गया, जिसमें प्रवीण कुमार का शव SDRF की टीम द्वारा बरामद किया गया है। बीहपुर पुलिस व मुखिया रूपेश मंडल के सहयोग से SDRF की टीम व अन्य ग्रामीण गोताखोर एवं मछुआरों की मदद से सबको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सब जहाँ लाए छे वहाँ से आरो वहाँ एकदम गेल लाए ला बस एकदम कूदल बस वहाँ से फिर लाए के फिर इन्ने गेल इन्ने से अल बस आब कल सब ने किया फोटो घीच बस एना कने से हटा कल बस चैता रह गए कचारे बस ओ कचारे में जो गए आब ओकरा बच्चा में बस ओकरो बतलक फिर ओकरो बचल गए बस वो बता कैगो गए टोटल 3 सर क्या क्या मामला है? मामला है यहाँ के ज्ञात सूत्रों से पता चली कि 3 जुआ वो नारायणपुर अंचल अंतर्गत अमर बिशनपुर में नदी के किनारे नहाने के क्रम में और सेल्फी लेने के दौरान 3 जुआ एक दूसरे को बचाने के दौरान डूब गया, जिसमें SDRF टीम को खबर दी गई। SDRF टीम के द्वारा एक प्रवीण कुमार की लाश मिल चुकी है, 2 और की लाश की खोजबीन की जा रही है। फिर आगे की कार्रवाई बताएं। आगे की कार्रवाई जो आपदा विभाग के तक जो भी लाभ की राशि होगी उन्हें प्राप्त होगा। छठ पर्व के मौके पर स्नान करने के दौरान डूबकर किशोर की गई जान। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा स्थित कलबलियाधार में छठ पर्व के मौके पर नदी में स्नान करने के दौरान एक 16 वर्षीय किशोर की डूबकर जान चली गई। मृतक की पहचान रंगरा गांव के मुन्ना मंडल के 16 वर्षीय पुत्र मोहन मंडल के रूप में की गई। घटना के बाद घाट पर मौजूद लोगों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद उसे नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मिली जानकारी अनुसार छठ पर्व के मौके पर कलबलियाधार स्थित नदी में स्नान करने गया था। इसी दौरान युवक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे रंगरा पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। इस्माइलपुर 2 देसी कट्टा 1 मॉस्केट व 3 गोली के साथ अपराधी गिरफ्तार। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता से इस्माइलपुर पुलिस ने छापेमारी कर 2 देसी कट्टा 1 मॉस्केट राइफल व 3 गोली के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी छोटी पर्वता निवासी छोटू कुमार पिता राजेंद्र कापरी है। SP स्वप्नाजी मेश्राम ने बताया कि सूचना मिली थी कि छोटू कुमार अपने घर में हथियार लेकर है। सूचना के आलोक में इस्माइलपुर थाना के अवर निरीक्षक रमेश कुमार शाह के नेतृत्व में सशस्त्र बल द्वारा छोटू कुमार के छोटी पर्वता स्थित घर में सूचना सत्यापन हेतु छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने छोटू कुमार को घर से गिरफ्तार कर लिया है एवं इस दौरान पुलिस ने उसके घर से 2 देसी कट्टा 1 मॉस्केट राइफल 1 खोखा 1 मिसफायर गोली 2 जिंदा गोली एवं 1 चार्जर क्लिप को बरामद किया है। SP ने बताया कि हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में सशस्त्र अधिनियम के तहत मामले की प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल चाउमीन मोमोज बिरयानी नूडल्स सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया।
अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। नवगछिया पुलिस ने एक देसी पिस्तौल को किया बरामद। नवगछिया थाना क्षेत्र के मुसारी पट्टी से नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर मुकेश ऋषिदेव के घर से चापाकल से एक देसी पिस्तौल बरामद किया है। हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने मुकेश ऋषिदेव और उनके दोस्त सूरज महतो के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश ऋषिदेव अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान बीच बचाव में मुकेश के दो भाई बजरंगी एवं श्री शंकर ऋषिदेव वहां पहुंचे। इस दौरान मुकेश ने पड़ोस के ही अपने मित्र सूरज महतो को बुला लिया। सूरज महतो भी मुकेश के साथ मुकेश के भाइयों से झगड़ा करने लगा। इस बीच मुकेश की मां शकुंतला देवी ने नवगछिया पुलिस को मारपीट होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो सूरज वहां से जा चुका था। पुलिस को देखकर मुकेश भी वहां से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने छानबीन के क्रम में मुकेश के चापाकल के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया है। वहीं नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। इधर मुकेश के परिजनों का कहना है कि हथियार सूरज महतो का है, झगड़े के दौरान वही हथियार लेकर घर पर आया था। नारायणपुर हत्याकांड का आरोपी गनौल से गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनौल गांव से हत्याकांड का आरोपी सिंटू यादव को भवानीपुर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि सिंटू यादव पर गांव के ही मजदूर सत्तन यादव की गोली मारकर हत्या का आरोप है। नारायणपुर, पति ने पीट कर पत्नी को किया लापता, हत्या की आशंका, पिता ने पुत्री की लापता की प्राथमिकी। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में पति सूदन यादव द्वारा पत्नी को पीटकर लापता करने का मामला प्रकाश में आया है। पूर्णिया जिले के रूपौली निवासी ईश्वर यादव ने हत्या की आशंका जताते हुए भवानीपुर आरोपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में पिता ने नारायणपुर निवासी पुत्री के पति सुंदर यादव व शिवन यादव, शंकर यादव व शंकर की पत्नी समेत राजेश यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170।